पिलाईतीन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला संकुल केंद्र सिरसा कला में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। साथ ही सरस्वती निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें 37 छात्राओं को साइकिल वितरित की गयी। भिलाईतीन के ग्राम सिरसा कला के शासकीय प्राथमिक शाला में प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की गई। उत्सव कार्यक्रम में नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर, वरिष्ठ जन शाला जन भागीदारी समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। वहीं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व शिक्षकों की उपस्थिति में सर्वप्रथम माँ सरस्वती व छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर 5 दीप जलाकर शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इसके अतिरिक्त कक्षा पहली एवं छठवीं के न प्रवेशित छात्र छात्राओं को शामिल अतिथियों ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर पुस्तकें बांटकर स्वागत किया। इस मौके पर सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अपनी तरफ से बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सभी को बैग का वितरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश सभी पालकगण के सामने पढ़कर सुनाया गया। हमर सपना हमर स्कूल हमर लयका के तहत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शाला समिति सदस्य एवं पालकगण ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सभापति की मौजूदगी में कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। पूरे आयोजन को लेकर निगम सभापति एवं शाला के शिक्षिकाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बच्चे तो बहुत उत्साहित हैं। माननीय भूपेश बघेल जी का ये जो संदेश और जो ये प्रोग्राम है वो सब स्टेट से हट के है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने पूरे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, मतलब स्कूल को अच्छा सजाना है, बच्चों को हर सुविधा देना है, खाना से ले कर साइकिल वितरण तक भूपेश बघेल जी का है। और साइकिल देने का वजह भी है कि बच्चे दूर से आते हैं तो उन साइकिल में जल्दी आ सकें और उनको सुविधा हो, ये उनका सोच है। और जो मॉडल आज स्कूल का दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो दिल्ली स्तर से भी आगे ऊपर हो के है। अब ऐसे मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में उसका सोच बहुत ऊपर हट के है, क्योंकि वो गाँव में पले बढ़े हैं। उनकी गाँव की सोच जो आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ उसका जो नारा है वो साकार की ओर है और साकार हो गया है। दूसरी बार भी ये देखते हुए सरकार बनाएंगे हम लोग, क्योंकि उनके हर प्रोग्राम ऐसा है कि किसानों के लिए, जो किसान सोच नहीं पाए थे कि इतना रुपया हमको 2800 रुपया और 20 क्विंटल धान लेंगे, वो सोचे नहीं थे हम लोग, लेकिन आज वो भी दे रहे हैं। तो उनका जो देन है, चाहे वो बुज़ुर्गों के लिए हो, बुज़ुर्गों का सेवानित बंद हो गया तो उसको चालू करवाए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का डबल जो उन लोगों को मानदेय है, ऐसा कई योजना है जो उनके द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग चाहेंगे कि डबल इस स्टेट में रहे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेरणा ये मिली कि हम लोग एक दिन मीटिंग में पूरे सभी टीचर, हमारे मैडम बैठे हुए थे, अब जब बुक दे रहे हैं तो उनका ये सोच रहा कि कुछ टीचर ने बोले इनको बैग कर दे, मैं बोला कि बैग हमारी तरफ से दे देंगे क्योंकि बरसात के समय है और उसको उस बैग में ला सके और उसमें पढ़ाई के लिए उनको कोई चीज़ भींगे ना, ये मेरा सोच था। मैं बच्चों के लिए उतना कर सकता हूँ, उतना सक्षम हूँ करके मेरी तरफ से वो दिया गया। और ऐसे हर पालक को चाहूँगा जो सक्षम हो और विद्यार्थियों को अपने बच्चों के लिए जो कर सके उनको प्रोत्साहित करने में ही हम लोग का भलाई है, क्योंकि बच्चे लोग प्रोत्साहित होने के बाद ही पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ, सभी पालकों को निवेदन करता हूँ कि बच्चों को प्रोत्साहन करें। आज का जो कार्यक्रम है सर, वो बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं, क्योंकि मिडिल प्राइमरी और हाई स्कूल तीनों स्कूल मिलके यहाँ पे आज एक जगह प्रवेश उत्सव मनाए हैं। तो आज का कार्यक्रम तो बहुत भव्य और शानदार रहा है, और इसलिए भी बहुत शानदार रहा है क्योंकि आज बच्चों में इतना उत्साह है कि उनको आज बैग भी मिला है, स्कूल ड्रेस भी मिला है, साइकिल वितरण भी हुआ है और बुक भी मिला है। तो सारे बच्चे बहुत खुश हैं और हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से आज संपन्न हो गया। और मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय भूपेश बघेल के द्वारा साइकिल वितरण किया गया है, जिसे हमारे सारे बच्चों में हर्ष उल्लास का महोत्सव है और हम प्रवेश उत्सव मना रहे हैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिरसा का। शाला प्रवेश के दौरान बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। बच्चों ने भी कहा कि उन्हें साइकिल पाकर बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना काफी साकार साबित हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार बच्चों ने दिल से जताया। पूरी बात बताओ। अच्छा लग रहा है, और यहाँ स्कूल में बैग भी मिला, बुक्स भी मिली, साइकिल वितरण भी हुआ,
और बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार जो हमें साइकिल और बैग प्रदान किया। हम बहुत दूर से स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, अब हम कम समय में और जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जो हमें पुस्तक साइकिल बैग जैसी अन्य चीज़ें दी, धन्यवाद। बहरहाल इस अवसर पर शाला के शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके पालकगण शामिल रहे। क्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।